नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माई किसान दोस्त चैनल पर। मेरा नाम है यश जाट और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे किसान भाइयों की सबसे बड़ी समस्या के बारे में। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं नील गाय के बारे में। नील गाय किसान भाइयों के लिए इतनी बड़ी समस्या है कि वो सिर्फ फसल को खाती ही नहीं बल्कि पूरी तरीके से चौपट भी करती है। ऐसे में किसान भाइयों का काफ़ी नुकसान होता है और इसी नुकसान से बचने के लिए किसान भाई कई प्रकार के तरीके अजमाता है। काफ़ी तरीके सक्सेस होते हैं, काफ़ी अनसक्सेस होते हैं, लेकिन लगातार प्रयास करता रहता है कि किस तरीके से अपनी फसल को किसान भाई बचाए। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या क्या तरीके किसान भाई अपनी फसल को बचाने के लिए अपनाते आए हैं। सबसे पुराने तरीके की बात करूं तो दोस्तों, पहले नील गायों की संख्या काफ़ी कम थी, ऐसे में किसान भाई काक भगोड़े का इस्तेमाल करते थे। काक भगोड़ा में भी कई सारे प्रकार, कई सारी डिजाइन किसान भाइयों ने लॉन्च की है। मैं थोड़ा सा नमूना इस पिक्चर में आपको दिखाना चाहूँगा। स्टार्टिंग में एक सिंपल सा काक भगोड़ा बना देते थे, जैसा आदमी खड़ा हो उस तरीके का। उसके बाद नील गाय का अटैक ज़्यादा होने लगा तो फिर जोड़े से भी खड़ा करने लग गए। पति पत्नी दोनों खड़ा कर देते, सामने आग वाग लगा देते थे ताकि उनको ऐसा भ्रम पैदा हो कि खेत पर कोई चौकीदारी कर रहा है। उसके बाद किसान भाइयों ने कई प्रकार के हर्बल घोल तैयार किए, जिनका स्प्रे फसल के चारों तरफ करने से उसकी गंध के कारण नील गाय खेत में ना आए, लेकिन उसका असर भी इतना ज़्यादा नहीं हो पाया। ऐसे में कई सारी कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट निकाले और बताया कि भैया 40 दिन तक आप स्प्रे कर दो, इससे आपका जो नुकसान है 40 दिनों तक आपका नुकसान होने से बचेगा, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ऐसे में किसान भाइयों ने फिनाइल की गोलियां या फिर ऐसे अधिक गंध वाली जो भी रसायन है वो खेतों के आसपास रखे ताकि नहीं आए, लेकिन उनका असर भी काफ़ी कम समय तक ही किसान भाइयों को हुआ। अब चलिए बात करते हैं, इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बीच में आए, जैसे कि पंखा लगा दो, उसके एक बेल लगा दो और फिर वो बचती रहे, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसके बाद कुछ लाइट वाले सिस्टम आए जो चारों तरफ लाइट देते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में हॉर्न बजता है, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा सक्सेसफुल किसान भाइयों के लिए नहीं हो पाया। अब चलिए बात करते हैं कुछ सक्सेसफुल तरीकों के लिए। या तो आप बाउंड्री बनवा दे पक्की, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्च आता है, ऐसे में किसान भाई बाउंड्री बहुत ही कम बनवा पाते हैं। उसके बाद जो तरीका आया तारबंदी का काफ़ी हद तक सुरक्षित तरीका किसान भाइयों के लिए रहा। तारों में नील गाय से आतंक का जो है संभावना काफ़ी हद तक कम हुई, लेकिन ये भी काफ़ी खर्चीला रहा। इसके बाद जो सबसे सक्सेसफुल तरीका आज की तारीख में जो है, जिसे मैं भी सक्सेसफुल मानता हूँ, वो है झटका मशीन। झटका मशीन से काफ़ी हद तक आप नील गाय को रोक सकते हैं, लेकिन ये भी काफ़ी खर्चीली रही है अभी तक और सभी किसान भाई इसे नहीं अपना पाए। और कहीं कहीं तो मैंने ये भी देखा है कि तारबंदी करने के बाद भी नील गाय अंदर घुसी है और गांव के अंदर तक भी आ गई है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, तारों से उलझी हुई एक नील गाय है जो कि तार तोड़कर पूरे गांव में घूम रही है। इसके अलावा सबसे बेस्ट ऑप्शन आज की तारीख में सिर्फ झटका मशीन है। झटका मशीन से आप काफ़ी हद तक अपनी फसल को सुरक्षित कर सकते हैं। ऐसे ही कई प्रकार के लगातार आइडिया किसान भाई करते रहते हैं, कहीं कहीं तो बोतल भी लटका देते हैं, वो टक टक बजेगी और नील गाय भग जाएगी, लेकिन ऐसा अभी तक इतना ज़्यादा सक्सेसफुल कोई भी तरीका नहीं हुआ। इन तरीकों के अलावा एक तरीका और है जिसे बागवानी करने वाले किसान भाई अक्सर उपयोग में लाते हैं। ये जो तरीका है काफ़ी पुराना है। इसमें जो किसान भाई बागवानी का कार्य करते हैं, जिसमें अनार, अमरूद, पपीता, संतरा, नींबू जैसे पौधे लगाते हैं, उन्हें नील गाय से नुकसान से बचाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह तरीका कुछ समय के लिए काफ़ी बढ़िया तरीका है। जब तक आप अपने खेतों पर बाउंड्री ना कर दें तब तक के लिए यह तरीका काफ़ी अच्छा है। इस तरीके के अंदर यदि आपके पौधे छोटे हैं और उन पर नील गाय का अटैक है, तो ऐसे में एक प्लास्टिक का बैग आता है जो कि प्याज लहसुन भरने का बैग आता है, जिसमें जाली टाइप का कपड़ा लगा हुआ रहता है, उसे आप यदि उसके ऊपर ढक देते हैं, उस पौधे को कवर कर देते हैं लकड़ी के सहारे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इस तरीके से ढक देते हैं, तो नील गाय सीधा उस पर अटैक नहीं करती है। अगर करती भी है तो उसके मुँह में जो प्लास्टिक टाइप की जो जाली है वो आती है, उससे उसका टेस्ट बिगड़ जाता है, तो वो उस तरीके के पौधे पर अटैक नहीं करती है। इस तरीके से आपका जो पौधा है कुछ समय के लिए सुरक्षित हो जाता है, जब तक वो बड़ा ना हो। इस तरीके में बकरी का अटैक भी उस पर रुक जाता है, आवारा पशुओं का जो अटैक होता है वो भी इससे रुक जाता है, और आपका जो पौधा है
कुछ समय बाद बड़ा हो जाता है तो फिर इतना ज़्यादा नुकसान जो है आपका नहीं हो पाता है। ये तरीका काफ़ी सस्ता है, इसमें 8 से 12 रुपए के बीच में प्लास्टिक का बैग आ जाता है, उसे आप कवर कर सकते हैं जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरीके से आप ढक देते हैं जब तक आपका पौधा बड़ा नहीं होता है, और तब तक आप बाउंड्री वगैरह भी कर सकते हैं यदि आवश्यकता हो। लेकिन जब आपका पौधा ग्रोथ कर रहा होता है उस समय यदि बकरी या फिर गाय या नील गाय ने उसे खा लिया तो वो उसकी ग्रोथ रोक देता है। तो ऐसे में ये तरीका काफ़ी सस्ता है, आसान है। यदि 100 पौधों को कवर करना है तो 1500 रुपये के खर्चे में आप इससे अपने जो पौधे हैं उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों ये जो तरीका है 100% सक्सेस तो नहीं है, लेकिन आपका पौधा जब तक बड़ा नहीं होता है तब तक के लिए नील गाय से सुरक्षा करने में काफ़ी मदद आपकी कर सकता है। दोस्तों यदि आपके पास भी ऐसा कोई तरीका है जिससे किसान भाई अपनी फसल को नील गाय से बचा सकता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाइक करने के साथ साथ अन्य किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करिएगा। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी भाइयों से निवेदन है कि नीचे आए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी जो भी वीडियो आए आप तक पहुंचती रहे। आज के लिए बस इतना ही, आपका दिन शुभ हो, जल्दी मुलाकात करेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय किसान।